हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म बैंजो मूवी के बारे में। जी हाँ, हाल ही में सलमान खान ने बैंजो मूवी का ट्रेलर देखा और उन्हें ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया और नरगिस फाकरी और रितेश देशमुख की जो जोड़ी है वो उन्हें काफी अच्छी लगी। उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ट्रेलर है ये और बहुत अच्छा गाना है बप्पा सॉन्ग। और तो इस तरह से सलमान खान ने काफी प्रेस किया है रितेश देशमुख की इस फिल्म को। आपको बता दूं, ये जो फिल्म है बैंजो, वो एक म्यूजिकल फिल्म है जो एक बैंजो प्लेयर पे बेस्ड है, जो एक गली मोहल्ले में जो एक बैंजो बजाता था और किस तरह से उसके जो सपने थे वो कहीं ना कहीं दबे रहते थे। उसके बाद में उसे सपोर्ट मिलने के बाद वो सपने कैसे वो पूरे करता है, कुछ इस तरह की स्टोरी है। और जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो रितेश देशमुख ही प्ले कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये फिल्म रिलीज होने वाली है सितंबर 23 को। तो 30 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म से मुझे बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक इसे जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो रवि जाधव डायरेक्ट कर रहे हैं। रवि जाधव ने बहुत प्यारी प्यारी मूवीज बनाई है मराठी सिनेमा में। नटरंग मूवी उनकी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, तो उनसे मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है इस फिल्म को लेकर। और इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा है। आपको जैसे बताइए, म्यूजिकल फिल्म है तो इसे गाने अच्छे होने बहुत जरूरी है। और सलमान खान ने इसकी जब तारीफ कर दी है इसके गाने और ट्रेलर की, तो इतना तो अब साफ है कि सलमान खान भी ये मूवी देखेंगे और जो उनके फैंस है वो भी इस मूवी को देखेंगे। और मैं खुद कहूंगा कि ये मूवी आप जरूर देखिए, क्योंकि ये मूवी एक अच्छा अटेम्प्ट है, एक अच्छी स्टोरी लाने का एक अच्छा जरिया है। और रितेश देशमुख का रोल इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी काफी ज्यादा उम्मीदें इसलिए इस फिल्म से बहुत बंधी है। आपको कैसा लगा है बैंजो मूवी का ट्रेलर आप बता सकते हैं। और सलमान के इस राय के बाद आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से जो उनकी राय है, और सलमान ने पहली बार नहीं कई बार इस तरह की जो कमेंट है इस तरह का एक मतलब लोगों को प्रमोट करने के लिए पहले भी काफी कुछ कहा है। आपको बता दो, रुस्तम मूवी जब आई थी तो रुस्तम मूवी के लिए भी सलमान खान ने काफी ज्यादा प्रेस किया था अक्षय कुमार को। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि एक दूसरे जो बॉलीवुड स्टार एक दूसरे को प्रेस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आई थिंक इसी का नाम ही बॉलीवुड है, इसी से ही बॉलीवुड अभी तक टिका हुआ है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो यूनिटी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं रितेश देशमुख की तारीफ करने के बाद रितेश देशमुख भी काफी खुश होंगे। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।